खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहां चार लाइनें दी गई हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। मतलब आपने जो अपने सफल होने के लिए संकल्प कर रखा है, उस पे दृढ़ बने रहिए। आप वहां पर को सफलता के लिए, आपको जो असफलताएं भी अगर आपको रास्ता रोकें, तो वहां आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है और हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दिया गया पहला, हाल ही में चर्चा में रहा रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी पहली बार कौन सा राज्य करेगा, तो यह विकल्प पहला दिया गया सिक्किम, दूसरा मेघालय, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा असम। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर ए सही होगा, सिक्किम के द्वारा रणजी ट्रॉफी मैचों का पहली बार मेजबानी किया जाएगा। अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की तो ये कब से प्रारंभ हुआ, यहां से आपको जानकारी जरूर याद रखना है, ये 1934 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और सबसे पहला मैच किन किन के बीच खेला गया, मद्रास और मैसूर के बीच में पहला मैच खेला गया। अगर हम बात करें हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में पहला रणजी ट्रॉफी जीता था। अगर हम बात कर लें कि सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, तो मुंबई के द्वारा सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी को जीता गया है। अगर हम अब यहां बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण खेल के परिदृश्य से, आपसे पूछा जाता है कि थॉमस कप विजेता कौन रहा है, तो पहली बार थॉमस कप विजेता के रूप में भारत रहा है। जबकि अगर हम बात करें T20 मैचों की और ICC महिला वर्ल्ड कप के विजेता के रूप में कौन सी टीम रही, तो इन दोनों का विजेता जो रहा वो ऑस्ट्रेलिया रहा, आपको याद रखना है। साथ ही साथ IPL का 15वां संस्करण था और इसमें टोटल कितने टीमों ने भाग लिया, 10 टीमों ने भाग लिया और विजेता कौन रहा, विजेता गुजरात की टीम जो है ये विजेता रही और राजस्थान रॉयल्स जो है ये उपविजेता रहा और इसका स्पॉन्सर कौन रहा, टाटा इसका स्पॉन्सर रहा। अब सिक्किम यह मेजबानी करेगा, तो सिक्किम से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे याद रखना है, अगर हम बात करें सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग जो हैं ये कौन है, ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर यहाँ के राज्यपाल कौन है, को गंगा प्रसाद जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ आपसे तीन प्रश्न आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है पहला कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहां स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है मित्रों, नेपाल में स्थित है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या कहां की है, तो ये गार्डविन ऑस्टिन या केटू के नाम से जाना जाता है और ये कहां पर स्थित है, POK पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अगर हम बात करें विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो यहां पर आपको याद रखना है कंचनजंगा जो है ये सर्वोच्च चोटी है तीसरे क्रम की विश्व की और ये कहां स्थित है, ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो आपको यहां
यहां से एक प्रश्न इसको भी याद रखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी, तो केटू होगा जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है और पीओके में स्थित है। अगर भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो कंचनजंगा होगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला यहां देखें कुछ मैप के माध्यम से। देखिए यहां सिक्किम के दो दृश्य दिखाए गए हैं, आपको याद रखना है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, यह भी प्रश्न पूछा गया है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगर हम बात करें यूनेस्को के आधार पर जो 40 विश्व विरासत स्थल रखे गए हैं जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिक्स है, वह मिक्स स्थल कौन सा है, यही कंचनजंगा नेशनल पार्क है। साथ ही साथ एक दर्रा पूछा जाता है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है फलो उद्यान का स्वर्ग, फलो उद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो फलो उद्यान का स्वर्ग सिक्किम राज्य को कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो यह सिक्किम है। सिक्किम अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके किसके साथ साझा करता है, तो नेपाल से साझा करता है, साथ ही साथ तिब्बत और चीन, ये तीन देशों से ये सिक्किम जो है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आइए इसी क्रम में दूसरा देख लें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो देखिए पहला दिया गया रुचिरा कंबोज, दूसरा अब्दुल्ला शाहिद, तीसरा दिया गया बोलकर तुर्क और चौथा दिया गया एंटोनियो गुटेरेस। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर सी सही होगा, बोलकर तुर्क जो है ये संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार, आपको ध्यान रखना है मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। ये किस देश से संबंधित हैं, ये ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं। अब ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है मित्रों, वियना, यहां से संबंधित हैं और इनको बोलकर तुर्क को मानवाधिकार आयोग का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर देखें संयुक्त राष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश 193 सदस्य देश हैं। अगर बात करें मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके प्रमुख कौन है, तो एंटोनियो गुटारेस जो हैं, ये कहां के हैं, ये पुर्तगाल के हैं, ये यहां के प्रमुख हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने भाग हैं, तो 6 भाग हैं। साथ ही साथ कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 6 भाषाएं बोली जाती हैं। आपसे एक प्रश्न याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र का वह कौन सा भाग है जिसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र से बाहर है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय कहां स्थित है, द हेग में स्थित है, और द हेग कहां है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब अगर हम बात कर लें रुचिरा कंबोज जी के बारे में, तो यूएनओ में शामिल होने वाली पहली अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में या भारत की पहली महिला के रूप में कौन है, तो ये रुचिरा कंबोज है। अगर हम बात करें अब्दुल्ला शाहिद की, तो 76वें महासभा की अध्यक्षता के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो अब्दुल्ला शाहिद को। ये किस देश से संबंधित हैं, ये मालदीव से संबंधित हैं, मालदीव के वित्त मंत्री हैं। और हमने अभी प्रश्न के माध्यम से बात कर लिया एंटोनियो गुटारेस, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटारेस। आइए एक पिक्चर के माध्यम से यहां देखें बोलकर तुर्क के बारे में बताया गया है, और यहां पर आपको ध्यान देना है ये ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया से संबंधित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी, आपको पहले बताया गया कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। यह किस नदी के तट पे है? डेन्यूब नदी के तट पर है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और आपको नोट डाउन कर लीजिए कि दुनिया की या विश्व की सबसे अधिक देशों में बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो डेन्यूब नदी है। लगभग 10 देशों में डेन्यूब नदी बहती है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद का निधन हो गया? अब यहां देखिए, पहले हमारे विकल्प जो दिए, दयाराम साहनी, दूसरा वी वी लाल, तीसरा जगपत जोशी, चौथा राखालदास बनर्जी। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह सही विकल्प नंबर बी होगा, बीबी जोशी जो है इनका हाल ही में निधन हो गया। अगर हम बात करें बीबी लाल हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल के उत्खनन के लिए जाने जाते हैं, तो कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो बीबी लाल और बीके थापर जी द्वारा किया गया था। यह कहां वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? वर्तमान में राजस्थान राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ कल के सीरीज में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था मित्रों, आपको राजस्थान राज्य की स्थापना जो कि 1949 ईस्वी में हुआ था, लेकिन गलती से 1913 बता दिया गया था, इसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। साथ ही साथ यह जो 1913 है, यह बिहार राज्य की स्थापना का दिवस है। अगर हम बात कर लें यहां बीबी लाल से संबंधित, तो इन्होंने कालीबंगा का उत्खनन किया था। अगर हम दयाराम साहनी जी के बारे में बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें जगपत जोशी और राखालदास बनर्जी, जगपत जोशी जी ने धौलावीरा क्या उत्खनन किया था, और राखालदास बनर्जी जी ने मोहन जोदड़ो की उत्खनन किया था। अब ये इतिहास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहां से रिलेटेड लगातार प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, तो हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको भी देख लें, जो कि हमारे प्रश्न गलत ना हो। अगर हम बात करें बीबी लाल जी के बारे में, तो बीबी लाल जी 1970 के दशक में अयोध्या मंदिर के उत्खनन में भी मुख्य पुरातत्वविद के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में पद्म भूषण सम्मान, साथ ही साथ 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लें। देखिए चंदहुदड़ो, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में से उत्खनन किसने किया था, या मैच करना होता है, तो आप देखिए यहां पहला दिया कि चंदहुदड़ो की खोज किसने किया था, तो यहां एनजी मजुमदार ने। अगर हम बात करें कोट दीजिए, तो फजल अहमद ने। रंगपुर की बात करें तो एसआर राव ने। रोपड़ की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा ने। लोथल की बात करें तो एसआर राव ने। आलमगीरपुर की बात करें यज्ञदत्त शर्मा ने। और सुतका गेंडोर की बात करें तो आरएल स्टाइन और जार डेल्स ने, जबकि बनावली की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनको जरूर रिकॉल करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहां किया जाएगा? तो देखिए विकल्प पहले महाराष्ट्र दिया गया है, दूसरा त्रिपुरा दिया गया है, तीसरा दिया गया मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा, गुजरात राज्य के लोथल। अभी जैसे विगत प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि लोथल कहां से संबंधित था, तो गुजरात राज्य से संबंधित था। इसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना गोदीवाड़ा या पत्तन के नाम से किसे जाना जाता था, तो लोथल को हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना पत्तन या गोदीवाड़ा के रूप में जाना जाता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां बनाया जाएगा, तो यही लोथल में बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां पर महाराष्ट्र से, तो हाल ही में हम लोगों ने स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र के लातूर में। यह किससे संबंधित है, तो डॉक्टर डॉक्टर वी आर
वी आर अंबेडकर जी से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है, वी आर अंबेडकर जी को समर्पित है। अगर हम बात करें त्रिपुरा के बारे में तो हाल ही में हमने पढ़ा है भारत का पहला जैव गांव, भारत का पहला जैव गांव कौन बना है तो दस पारा। ये कहां से संबंधित है, ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो भारत का पहला जियो पार्क कहां स्थापित किया गया है तो मध्य प्रदेश के लमहेटा गांव में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला चुना गया है, कौन सा, मांडला। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में ही भारत का पहला हर घर प्रमाणित जिला बुरहानपुर के रूप में चिन्हित किया गया है। ये सारे प्रश्न आपकी सफलता के लिए अवश्य ही मददगार साबित होंगे। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखिए, यहां लोथल का पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको याद रखना है गुजरात और महाराष्ट्र राज्य ये दो राज्य ऐसे हैं जो 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात कर लें गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह बघेल जी हैं, और राज्यपाल कौन है तो आचार्य देवव्रत जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात कर लें गिर नेशनल पार्क साथ ही साथ वंसदा नेशनल पार्क और मैरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, ये गुजरात राज्य में स्थित हैं। आपको एक ब्लैक बक नेशनल पार्क ये आपको याद रखना है, गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मैरीन नेशनल पार्क ये किन राज्यों से जाने जाते हैं तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक पहल की शुरुआत की गई। देखिए पहला दिया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा आवास एवं शहरी मंत्रालय, चौथा जल शक्ति मंत्रालय। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर सी आवास एवं शहरी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी हैं और इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया, क्या प्रारंभ किया गया, स्वच्छ अमृत महोत्सव। इसका उद्देश्य क्या है तो हाल ही में हम लोगों ने आजादी के 75वां वर्षगांठ मनाई है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, इसी के उपलक्ष्य में स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा। अब यहां पर बात हो रही है स्वच्छता से संबंधित तो यह कब से कब तक प्रारंभ होगी तो आपको जरूर याद रखना है ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाली यह एक योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, शहरों में जो अवशिष्ट कूड़ा करकट जमा होता है उसका उचित रूप से प्रबंधन या उसका उचित व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ अगर हम देखें मित्रों हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल रही है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब प्रारंभ किया गया तो 30 अगस्त से लेकर सितंबर माह के पहले सप्ताह तक, और इसी समय में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय जल संरक्षण सप्ताह। जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना या जल की सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना या इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय जल संरक्षण सप्ताह का। हाल ही में उड़ीसा के द्वारा छाता योजना प्रारंभ किया गया, इसका भी क्या संबंध है, इसका संबंध है वर्षा से प्राप्त जल का सही से भंडारण या सही ढंग से उसका क्या करना, सही ढंग से व्यवस्थित करना उसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है तो स्मृति ईरानी जी जो हैं ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अगर हम बात करें लाल सलाम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो स्मृति ईरानी द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री
कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगर बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, तो इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल योजना। इसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है हर घर जल का। और किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का भी घोषणा किया गया। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे और राजस्थान यहां पर दूसरे स्थान पर चिन्हित किया गया। यहां के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी यहां के केंद्रीय मंत्री हैं। यहां देखिए हरदीप सिंह पुरी जी का पिक्चर दिखाया गया है। साथ ही देखिए स्वच्छ अमृत महोत्सव एक और कदम स्वच्छता की ओर, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये चलने वाली योजना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए पहला दिया गया है 2 सितंबर, दूसरा 10 सितंबर, तीसरा 8 सितंबर और चौथा 5 सितंबर। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर बी सही होगा। 10 सितंबर को WHO के द्वारा 2003 से आत्महत्या रोकथाम दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं जो सितंबर माह से अत्यंत बार पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उसके लिए आपको एक सूची प्रदान की जा रही है। उस सूची के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को रियलाइज कर लेंगे जो कि हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे अगर बात करें हम लोग 2 सितंबर की, तो विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर की तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से जाना प्रारंभ किया गया? 1962 ईस्वी से। किसके स्मृति में? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में। 8 सितंबर की बात करें तो विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर की बात करें हिंदी दिवस, जबकि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें 15 सितंबर की राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और 16 सितंबर अत्यंत महत्वपूर्ण है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर अंतरराष्ट्रीय दिवस और 25 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया? देखिए पहला दिया गया दीपक मिश्रा, दूसरा कमल नारायण सिंह, तीसरा रंजन गोगोई, चौथा एनवी रमन्ना। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर बी सही होगा, कमल नारायण सिंह। ये भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत के सबसे कम उम्र के मात्र 18 दिन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यकाल अपना पूरा किया था? कमल नारायण सिंह जी, और इनका हाल ही में निधन हो गया। अब यहां हमने मित्रों सीखा कि कमल नारायण सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा, तो सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा? तो वाई डी चंद्रचूड़, ये भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल 7 वर्ष से भी अधिक रहा। इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, जबकि सबसे कम किसका रहा? तो कमल नारायण सिंह जी का रहा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और क्रम क्या है? तो 49वें भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित जी हैं। अगर हम बात करें इनका फुल फॉर्म का, उदय उमेश ललित जी जो हैं, ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हैं। वर्तमान में भारत में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है। अगर हम बात करें 48वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे? तो एनवी रमन्ना जी जो थे, ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में मुख्य न्यायाधीश के पद का वर्णन है, तो अनुच्छेद 124 के 2 में मुख्य न्यायाधीश का वर्णन है। और अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय
पढ़े कि तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णित है। भाग कौन सा होगा? भाग पांच। भाग कौन सा होगा मित्रों? भाग पांच होगा। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जो निधन हुआ है उनको अगर देख लें। देखिए मिखाइल गर्बाचेव, ये पूर्व सोवियत संघ के नेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। राकेश झुंझुनवाला प्रसिद्ध भारतीय निवेशक थे। साइरस मिस्त्री उद्योगपति थे। अनंत यशवंत खरे प्रसिद्ध मराठी लेखक थे। डॉक्टर चेन्नावीरा कनाव प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार थे। और मिलेना सालविनी प्रख्यात कथकली नृत्यांगना थी। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग उर्दू आलोचक और भाषाविद थे। पंडित भजन सोपारी, आपको जरूर याद रखना है, ये कौन से विधा से जुड़े थे? ये संतूर वादक थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। और अलजलाई पुन्ना साम जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में नामित किया गया है? तो अभी हम लोगों ने कल ही के दैनिक समसामयिकी की सीरीज में पढ़ा है कि हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय जी का निधन हो गया और इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, मतलब 70 वर्षों से अधिक इनका कार्यकाल रहा। इनके पति जो थे इनका क्या नाम था? तो इनका नाम फिलिप जो था इनका नाम था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अब विकल्प के माध्यम से, पहला देखिए क्या है, प्रिंस विलियम, दूसरा प्रिंस हैरी, तीसरा प्रिंस फिलिप और चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, प्रिंस विलियम को एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में नामित किया गया है। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की, या इसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? तो कल मैप के माध्यम से हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स, साथ ही साथ आयरलैंड। इन देशों को मिलाकर इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और महारानी एलिजाबेथ जो थी ये लगभग 14 देशों की महारानी के रूप में इन्होंने 70 वर्षों तक कार्यकाल किया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए महारानी द्वितीय जो रानी एलिजाबेथ थी इनका पिक्चर दिखाया गया जिनका हाल ही में निधन हो गया, और प्रिंस विलियम जो है इनका पिक्चर दिखाया गया है जिन्हें वेल्स ऑफ द के रूप में चुना गया है। अगला है हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा वंदे भारत 2 नामक हाई स्पीड ट्रेन का नया अवतार पेश किया गया, इसकी अधिकतम गति कितनी होगी? मतलब यहां भारतीय रेलवे के द्वारा वंदे भारत 2 का नामक हाई स्पीड ट्रेन उतारी गई है, तो इसका स्पीड कितना होगा? पहला दिया 120 किलोमीटर, दूसरा 1210 किलोमीटर, तीसरा 180 किलोमीटर और चौथा जो है ये 1200 किलोमीटर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, इसकी स्पीड जो वंदे भारत है इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही साथ अब वंदे भारत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर हम देखें तो आपको ध्यान होगा कि भारतीय रेल बजट में 2022 के बजट में कितने वंदे भारत नई ट्रेनों को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? 400 वंदे भारत ट्रेनों के प्रारंभ करने की घोषणा की गई है बजट में। अगर हम बात करें यहां पर गति शक्ति के कितने इंजन हैं, तो गति शक्ति के सात इंजन या सात स्तंभ बनाए गए हैं। अगर हम बात करें यहां पर कि भारत में केंद्रीय रेलवे के जो केंद्रीय मंत्री हैं ये कौन है, तो अश्वनी वैष्णो जी जो हैं ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं। अगर बात करें रेलवे के सीईओ कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं ये रेलवे के सीईओ हैं। अगर रेलवे जोनों की बात करें तो कितने रेलवे जोन हैं, तो 18 रेलवे जोन हैं। और नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है, तो विशाखापट्टनम जो है ये नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय है। साथ ही साथ रेलवे से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में रेल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, तो डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। साथ ही साथ ये कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे तक का पहली रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। अगर हम बात करें मित्रों कि रेल बोर्ड का गठन
किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो रॉबर्टसन, रॉबर्टसन आयोग, रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेल बोर्ड का गठन किया गया। एक प्रश्न और भी ध्यान रखिए कि रेल बजट को आम बजट से अलग किस आयोग की सिफारिश पर अलग किया गया था? तो एडवर्थ, एडवर्थ कमीशन, एडवर्थ कमीशन की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। जबकि दूसरी बार आपको याद रखना है विवेक देवराय, विवेक देव, विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति के आधार पर आम बजट के साथ रेल बजट को मिक्स किया गया। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और निरंतर इनकी उपयोगिता बनी रहती है, इसी कारण आपको जरूर याद रखना है। आइए इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। साथ ही देखिए यहाँ वंदे भारत ट्रेन का पिक्चर दिखाया गया है। एक प्रश्न और भी याद रखिए, ये देखिए जो ट्रेन आपको दिखाई जा रही है इसका नाम वासुकी, वासुकी ट्रेन है, वासुकी ट्रेन है। अब यहां इसमें विशेष क्या है? तो भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी, मालगाड़ी, मालगाड़ी कौन सी है? तो वासुकी है। यह 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर लंबी है, जबकि 295 डिब्बे वाली है। और इसका शुभारंभ कहां से किया गया है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से इसका शुभारंभ किया गया। आइए इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया, अब यहां पहला विकल्प जो दिया गया है नीति आयोग, दूसरा आरबीआई, तीसरा विश्व बैंक, चौथा यूएनडीपी। यहां हमारा सही विकल्प जो है मित्रों यह होगा नीति आयोग। अब नीति आयोग के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब नीति आयोग के गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। किसने? योजना आयोग के स्थान पे किसका गठन किया गया? नीति आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू या प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के प्रमुख होते थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें सीईओ के रूप में कौन है, तो सीईओ के रूप में परमेश्वरन, परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये उप सीईओ हैं नीति आयोग के। अब यहां आरबीआई की बात करें तो 47वें भारत के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। अगर बात करें विश्व बैंक की तो विश्व बैंक के जो प्रमुख हैं डेविड मालपास, डेविड मालपास जो हैं ये विश्व बैंक के प्रमुख हैं। अगर बात करें यूएनडीपी की तो इसके द्वारा हाल ही में एक सूचकांक जारी हुआ है जिसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है, या इसी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का 2021 में इस इंडेक्स में स्थान क्या है, तो यह स्थान 132वां है, जबकि 2020 में कितना था, तो 2020 में 131 था। आपको ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में जरूर दिखाई देंगे। आप अगर प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो यहां पर इन प्रश्नों का उपयोगिता आपको दिखाई देगी, ये कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं। आइए इसी क्रम में आप देखिए नीति आयोग के बारे में, यहां नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म यहां दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। साथ ही साथ थिंक टैंक, थिंक
टैंक, भारत सरकार का थिंक टैंक किस संस्था को कहा जाता है? तो नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आपको पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर ऐसी ऊर्जा बहे जो आपको निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहे, दो शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। मतलब अवसर बार बार आने वाला नहीं है, आपके पास जो भी समय है उसका सही से उपयोग करिए, निश्चित ही आप सफल होकर रहेंगे। इसी क्रम में आपसे विदा लेने से पहले आपसे यही गुजारिश रहेगी कि यह सेशन आपको लाभकारी अगर लग रहा है तो आप सेशन के प्रति अपना जो आभार प्रेम आपने बना रखा है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।